शरीर के बाहरी हिस्से को जर्म्स बैक्टीरिया से बचाने के लिए आप दिन भर में कई उपाय करते हैं, जैसे कि डेटॉल, हैंड वॉश, सैनिटाइज करना, ताकि वो बैक्टीरिया या जर्म्स आपके शरीर को इफेक्ट ना कर सकें। लेकिन वही बैक्टीरिया या जर्म्स आपके शरीर के अंदर घुस करके अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं और जल्दी ही आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जुड़ी कोई भी बीमारी या वायरल इन्फेक्शन से जुड़ी किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और फिर आप शुरू करते हैं दवाइयों को लेना। जब तक आप दवाइयाँ लेते हैं तब तक तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके फिर आपको कुछ दिन में आप या आपके घर के कोई भी सदस्य फिर से बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जो शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया या जर्म्स को जाने से रोक ले, और अगर गलती से बैक्टीरिया या जर्म्स चले गए तो उन्हें वहीं पर खत्म कर दे, उन्हें पनपने का मौका ही ना दे। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मेरा टारगेट है आप लोगों को घरेलू उपचार नेचुरोपैथ आयुर्वेद से रूबरू कराना, ताकि आप जो है वो हेल्दी लाइफ जी सकें और हेल्थ के वैल्यू को समझ सकें और दवाइयों से ज़्यादा आयुर्वेद पे भरोसा कर सकें। तो आज मैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल है, लेकिन जिसकी कहानी आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो उसकी इम्पोर्टेंस, उसके बारे में किए गए रिसर्च, उसका किस तरह से इस्तेमाल करके आप बैक्टीरिया जर्म्स को अपने शरीर में घुसते ही मार सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इसे पूरी ज़रूर देखिएगा और मुझे यकीन है कि इसे पूरी देखने के बाद आप खुद ब खुद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हेल्दी रहें। तो वो एक चीज़ है जिसके कहानी आयुर्वेद में लिखी गई है कि जब अमृत शुरू हुआ, अमृत बन गया और देवताओं ने अमृत पान करना शुरू किया, उसके लिए देवताओं ने एक उत्सव मनाया और उस उत्सव में एक राक्षस जो है वो देवता का भेष धारण करके अमृत पीने के लिए आ गया। उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और उन्होंने इशारा किया तो शिव भगवान जी ने उसे वहीं पर मार दिया, और जब उसे झटके से उसका गर्दन काटा गया तो उसके हाथ में जो अमृत का घड़ा था वो उसका अमृत छटक गया और धरती पर कई जगह पे जाकर गिर गया। तो जहां जहां वो अमृत गिरा वहां वहां पर लहसुन पैदा हुआ और इसीलिए लहसुन को आयुर्वेद में अमृत तुल्य कहा जाता है। अब आयुर्वेद पे बहुत ज़्यादा लोग अगर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं लेटेस्ट आपको एग्जांपल बता दूं कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में लहसुन का इस्तेमाल करके ऐसे एक सेक्शन को रखा गया जिसे पता चला कि जो लोग लहसुन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन लगभग ना के बराबर होते हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेद में 60 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज लहसुन से किया जाता है। तो आपके किचन में भी लहसुन ज़रूर होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन में ऐसा क्या चीज़ होता है जो आपके शरीर में बैक्टीरिया जर्म्स को घुसते ही उनको ख़त्म कर देता है, सांस तक नहीं लेने देता है, पनपना तो बहुत दूर की बात है। लहसुन में एलिसिन नाम का तत्व होता है। जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो लहसुन में जो तत्व होता है एलिसिन, वो पेनिसिलिन से भी ज़्यादा तेज काम करता है और कहते हैं कि ये कीटाणु जीवाणु का गला घोट देता है, मतलब आपके शरीर में घुसने से पहले उसकी हालत ऐसी कर देता है कि वो सांस नहीं ले पाता है। ये एलिसिन इतना तेज तत्व होता है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर गलती से आपने आप बाहर से तो हाथ सैनिटाइज कर लिया, लेकिन खाने की चीज़ों के थ्रू आपके शरीर में या पानी के थ्रू आपके शरीर में जर्म्स या बैक्टीरिया चले जाते हैं, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे लहसुन खाते हैं तो बैक्टीरिया और जर्म्स आपके शरीर में पनप नहीं पाएगा। तो खाना कैसे है मैं आपको वो बताती हूँ। तो दो लहसुन, कच्चा लहसुन खाना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम तो रोज लहसुन खाते हैं, हमें तो तब भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो एनिसिल नाम का तत्व होता है वो पकाने के बाद खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट 80% वो जल जाता है। तो जो कच्चा लहसुन होता है वो ज़्यादा फायदा करता है, बाकी जो लहसुन आप पका के खाते हैं वो जो होता है वो सब्जी का टेस्ट बढ़ाता है। तो आपको कच्चा लहसुन खाना है। अब थोड़े लोग, कुछ लोगों के मुंह सिकुड़ गए होंगे कि अब बताओ कच्चा लहसुन हम कैसे खाएंगे, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे। तो जुगाड़ हर जगह चलता है, आप कच्चे लहसुन की चटनी बना करके खा सकते हैं, धनिया मिला लीजिए उसमें और चटनी बना के खाइए। बच्चे कैसे खाएंगे, तो बच्चों के लिए आसान तरीका ये है कि लहसुन, दो कली लहसुन की पानी में भिगा दीजिए और सुबह में जब बच्चे उठें तो
नाश्ते के बाद उनके पानी में थोड़ा सा वो लहसुन वाला पानी मिला दीजिए। उन्हें टेस्ट नहीं आएगा, और अगर आ जाता है तो आप चाहें तो उसमें थोड़ा ग्लूकोज भी मिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा टेढ़े तरीके से चीज़ों को खिलाना पड़ता है। तो लेकिन बच्चों को लहसुन का डायरेक्ट जो वो तत्व है ना, वो उनके शरीर में जाएगा तो बच्चों को जर्म्स बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कच्चा लहसुन खाना है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है कच्चा लहसुन खाने का। मात्रा 2 कच्चे लहसुन की होनी चाहिए और बच्चों को भिगा करके पिला सकते हैं। अब इन सब के अलावा लहसुन खाने से रिलेटेड और लहसुन के फायदे से रिलेटेड और भी कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, क्वेरी होंगी, तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा। और ढेर सारी होम रेमेडीज़ की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर मेरी फैमिली का मेंबर परमानेंट बनना है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो आज से ही रोज 2 लहसुन खाना शुरू करिए। आप बीमार तो पड़ोगे, लेकिन आपको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। और अगर गलती से हो भी गए तो आप बिना किसी दवाइयों के ठीक हो जाओगे। तो चलिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और घरेलू उपचार से हेल्दी रहने की कोशिश करिए, दवाइयों से कोशिश करिए कि थोड़ा दूर रहें।